फॉरेन में जाने के नाम पे रोने से बेटर है फॉरेन में रो। ये तो एक रील का जो है वो वायरल वर्जन है, पर आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। मेरे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मुझे कौन सी चीज़ें हैं जो एक डिसएडवांटेजेस लगती हैं यहाँ पर रहने की एंड एडवांटेजेस। वीडियो में बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स मैं आपको बताऊँगी जिसमें आपको अगर मूव ऑलरेडी आप करने वाले हैं तो हेल्प करेगा, और अगर आप 1-2 साल से रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं यार लॉन्ग टर्म रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसमें भी आप हेल्प करेगा। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। यहाँ पर इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जर्मनी से रिलेटेड, यूरोप से रिलेटेड, और अगर आप ड्रीम करते हैं कि आप यूरोप में कहीं मूव करो तो ये चैनल जो है वो आपको परफेक्टली हेल्प करेगा। तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो आज मैं सबसे पहले डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट करती हूँ। डिसएडवांटेजेस से इसलिए स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जब हम इंडिया में बैठते हैं ना तो हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखती हैं इंटरनेट पे, वीडियोस पे, सारी चीज़ों में हमें सिर्फ अच्छा दिखता है। बट ऑफ कोर्स जब आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर रहने लगते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आप मूव करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो करियर अपॉर्चुनिटी फर्स्ट पॉइंट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अगर आप यहाँ पर मूव करोगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली होगी, जॉब मिली होगी, तभी आपने मूव करा होगा जैसा कि हम लोगों ने किया था। बट क्या विद अ लॉन्ग रन आपको यहाँ पर एक एडवांटेज है? तो मैं बोलूँगी नहीं। जितने भी लोगों से मैंने बात करी है या जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ प्लस मुझे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उससे ये समझ में आता है कि जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू है या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया में आपको ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है, वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका ये मतलब होता है कि आपको डेली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, और विद इन सम टाइम एक्सपीरियंस, लाइक अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उस 5 साल में आपने बहुत कुछ चीज़ें जो है वो हैंडल करी होती है, इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हो। पर जब आप यहाँ पर जॉब स्टार्ट करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड काम होता है, आप वही करते हो। ऑफकोर्स आप उसमें मतलब आप यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट, लाइक A to Z आपको हर चीज़ उसके बारे में पता होगी, बट वही जो चीज़ है वही आपको पता होगी। उसके अलावा शायद आपने इतना ज़्यादा स्विच नहीं किया होगा, लोग ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करते स्विच करने के लिए और लोग करते भी नहीं हैं यहाँ पर स्विच। दूसरी चीज़, आपका जो ग्रोथ है या आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक ही तरीके का रह जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वेयरएज इंडिया में जो मेरा एक्सपीरियंस था, जितने भी साल मैंने काम किया उसमें मैंने बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम किया, जिससे ऑफ कोर्स मैंने बहुत कुछ सीखा और वो जो काम था वो मुझे यहाँ पर हेल्प किया। यहाँ पर मल्टीटास्किंग टाइप का कुछ होता नहीं है, आपको एक काम करना पड़ता है, डेडिकेटेड काम होता है, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया। तो आप जो मेरा तात्पर्य है वो तो समझ ही गए होंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ का डिसएडवांटेज को लेकर। सेकेंड थिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिस करते हो, ये बात तो मैंने आपको बहुत बार बोली है। बट ऑफकोर्स जब आप बहुत टाइम तक यहाँ पर रहने लगते हो तो आप बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हो। आपको एक छोटी छोटी चीज़ें जो लगती हैं कि यार काश मैं वहाँ होता या होती और मैं ये करता या करती, वो जो है वो आपके मन में हमेशा रहती है क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आप नहीं जाते हैं। देन जो थर्ड चीज़ होती है वो ये होती है कि यूरोप ट्रैवल सब एडवांटेजेस में बताते हैं, बट यूरोप ट्रैवल बहुत टाइम जब आप यहाँ पर रहते हो तो सिर्फ ट्रैवल के लिए ही रह जाता है। आपको बस चेकलिस्ट में टिक लगाना होता है कि अच्छा मुझे ये कंट्री घूमनी है, ये कंट्री घूमनी है, मैंने आज 10 कंट्री जो है वो कवर कर ली, कल मैं 20 करूँगा, 5 साल में मैं 50 करूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स शेंगेन वीज़ा में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं आप वहाँ पर जा सकते हो। तो इसलिए वो चेकलिस्ट के लिए होती है। बहुत सारी जगह आपको ऐसा लगता है यार ये एक ही जैसी होती है, एंड जस्ट आपको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आप यूरोप ट्रैवल करते हो। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियोज़, मतलब हो सकता है कुछ लोग बोले नहीं ऐसा नहीं है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है जब शुरू शुरू में बहुत सारी जगह घूम लेते हैं, फिर एक पॉइंट ऑफ के टाइम के बाद सिर्फ जाने के लिए हम लोग जो है वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ कोर्स, एंड बिकॉज फाइनेंशियली आप
अच्छे होते हो, यहाँ पर आपकी सैलरीज अच्छी होती हैं, तो इसलिए आपको इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप एक ही जगह जो है वो दो बार भी चले जाते हो, या हर एक कंट्री में हर एक छोटी से छोटी जगह जो है वो घूम लेते हो। तो ऑफकोर्स ये जो पॉइंट है ये मुझे डिसएडवांटेज लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लाइफ इज़ सो बिज़ी। आपने सुना होगा यार, यहाँ तो बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत टाइम मिलता है, ऑफकोर्स टाइम मिलता है, बट उसके बाद भी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती है। इवन दो आपका बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होता है, कंपनीज जो हैं वो आपको प्रमोट करती हैं कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम काम करो और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट बिकॉज़ यहाँ पर हर काम खुद ही करना पड़ता है, मतलब एक नल लगाने से लेकर कोई भी रिपेयरिंग वाला काम करना है या अपना फर्नीचर भी असम्बल करना है, मतलब एक घर वाले जो रोज़ के काम होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, बट ये सब काम करते करते ना आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, प्लस डॉक्यूमेंटेशंस का काम करना होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ इतनी बिजी है और मेरे पास कुछ टाइम ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। बट इसका एक एडवांटेज भी है जो मैं आपको एडवांटेज वाले सेक्शन में है वो बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि पेरेंट्स का लॉन्ग टर्म वीज़ा, जब आपके पेरेंट्स होते हैं तो आपको लगता है कि उनको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मिले, जो यहाँ पर जर्मनी में पॉसिबल नहीं था। इवन कोई भी कंट्रीज, चाहे हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, इटली, फ्रांस, कहीं पर भी जो ये पॉसिबल नहीं था, जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर में आती है उनका सेम ही रूल होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अब यहाँ पर थोड़े बहुत रूल चेंज हुए हैं, अभी सिर्फ वो ड्राफ्ट लॉ के अंदर हैं, अभी यहाँ पर ऐसा कोई वीज़ा नहीं है। आपके पेरेंट्स को सिर्फ 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं, तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगता है। पर इसका क्या एडवांटेज है, जर्मनी क्या देख रही है, न्यू लॉ क्या लेके आ रही है, वो मैं आपको एडवांटेज वाले सेक्शन में बताऊँगी। अब एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ना आप यहाँ पर फिट बैठते हैं और जब आप जाने का डिसीज़न लेते हैं तो आप वहाँ पर भी फिट नहीं बैठते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि यार जब आप किसी कंट्री में काफ़ी टाइम तक रहने लगो और आप ये डिसाइड नहीं कर पाओ कि यार मुझे वापस जाना है या यहाँ पर रहना है, जैसा कि हमारा केस है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप, एक तो आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं मिलता है क्योंकि आपको इतनी अच्छे से प्रोसेस नहीं पता होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कीटा हो गया, किंडरगार्टन हो गया, आप फिट नहीं बैठते हो यहाँ पर, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। ऑफकोर्स आप कितने भी यहाँ पर रह लो पर आप यहाँ जैसे तो नहीं रह सकते हो, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर। प्लस ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाती है और आपको, मतलब टाइम जब आप, वैसे तो ये पहले दिन से ही होता है बट अगर आप बहुत टाइम तक रह लो ना और रोज़ रोज़ वही कर लो, जब आप अपना लेटर बॉक्स खोलो तो आपको कितने सारे लेटर मिले, उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए बिकॉज ऑफ जर्मन लैंग्वेज, तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको जर्मन नहीं आती तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मैंने ये इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी क्योंकि वो चीज़ें जो है वो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में जो है वो बात करी है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो है वो मेरे को, मैंने अभी स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता आई विल गेट दैट और नॉट, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और सबसे ज़्यादा कि यू डोंट नो, श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं। अब मैं बता देती हूँ, एक्सपेंसिव अराउंड 2000 यूरो एक एवरेज एक्सपेंस है आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का, मतलब 1,80,000 समझ लो। टाइम आप समझ लो 1 साल लगेगा क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी, उसमें पूरा 1 साल जो है वो लग जाएगा। एंड देन थर्ड इज़ नॉट अ श्योरिटी बिकॉज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको नहीं पता कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं वो जर्मन में होते हैं, तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपका तो अब्बा जब्बा डब्बा होगा और आपको ऐसे ही लगेगा कि भैया अपनी कंट्री में जाके रो लेते हैं, यहाँ नहीं रोते हैं, सीरियसली मैं बताती हूँ। तो ये जो है ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा बिकॉज आई स्टार्टेड एंड आई डोंट नो कि वो कितने टाइम में मुझे मिलेगा। जब भी मिलेगा ऑफकोर्स मैं आपसे जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी, पर ये थे सारे डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं कि बीइंग
मतलब लोकल होने के बाद, ऑफ कोर्स 5 ईयर्स इज़ अ बिग टाइम, लोकल होने के बाद मुझे यहाँ पर लगते हैं। मैंने कुछ चीज़ें इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर आप 5 साल यहाँ रहने लगते हो तो ऑफ कोर्स आप लैंग्वेज सीख लेते हो, तो आपको वो एक डिसएडवांटेज नहीं होता, बट हाँ किसी के लिए होता भी है। अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। पहला पॉइंट जो हम सब लोग देखते हैं वो है सैलरी। तो गुड पॉइंट्स में सबसे अच्छी बात है सैलरी, आपको यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है। और ये सिर्फ मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं इंडिया में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इन जनरल सब लोगों की सैलरी जो होती है यहाँ पर अच्छी होती है। अगर आप बात करें एवरेज सैलरीज, तो एवरेज सैलरीज भी ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशन, ऑल द डोमेन्स जो होती हैं वो अच्छी होती है। और एक वीडियो भी हमने बनाया है कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपये आप कितने साल में सेव कर सकते हो एज ए कपल, तो वो देखो क्योंकि उससे भी आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पर सेविंग कितनी कर सकते हो, सैलरी कितनी होती है एवरेज सैलरी, वो सारी डिटेल्स जो है उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आई इंसिस्ट कि वो वीडियो ज़रूर देखो। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो ताकि मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे गुड पॉइंट्स बताऊँ। नेक्स्ट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ कोर्स होता है, इसमें कोई भी संदेश मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है, एक पॉइंट का भी वो नहीं है। आपको वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जिस टाइम पे आपका ऑफिस स्टार्ट होता है उस टाइम पे स्टार्ट करो, जिस टाइम पे ख़त्म होता है वो ख़त्म करो। सब लोग जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। इवन अगर आप सैटरडे संडे काम करते हो तो वो इल्लीगल है यहाँ पर, तो आप कर नहीं सकते। तो आप अपने फैमिली को जो है वो अच्छा टाइम देते हो, मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छी बात है जो इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब मैं आती हूँ यूरोप ट्रैवल पे। शुरू में यूरोप ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बोलते हैं ये एक एडवांटेजेस है, अभी भी है एडवांटेज, पर ये जब है जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है एंड यू वांट टू फॉलो समथिंग, राइट, तो एक ट्रैवल हो जाता है कि यार चलो ट्रैवल करते हैं। ऑफ कोर्स हमें भी बहुत पसंद है कि ये जगह घूमो वो जगह घूमो, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। कभी पॉसिबल होता है तो हम बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ घूम लेते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गई बगल में है, राइट, तो स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह जो होती है वो एक ड्रीम प्लेस वाली होती है, ड्रीम कंट्री होती है जहाँ आप जाना चाहते हो। तो ये एक एडवांटेज होता है कि यार चलो यार आज बैग उठाया और चल लिए स्विट्ज़रलैंड। देन अदर थिंग इज़ जो बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा जो है वो गुड पॉइंट है वो ये है कि आपको बहुत अच्छी लाइफ लाइक आपकी जो लाइफस्टाइल होती है ना वो अच्छी होती है यहाँ पर। आप जिस सैलरी में से यहाँ पर आते हैं, इंडिया से यहाँ पर आते हैं, उसमें आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है। आप अफोर्ड कर सकते हैं एक एप्पल वॉच, आई मैक, बिग टीवी अगर आपके ड्रीम में हो, ठीक है। ऑफ़ कोर्स आप घर लेना शायद नहीं अफोर्ड करो क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे महंगा है, हाउस हेल्प नहीं करो, या फिर अपने बच्चे के लिए अगर आपको कोई केयर टेकर टाइप का चाहिए वो नहीं करो। बट इसके अलावा आप BMW सुपर कार्स जो हैं वो अफोर्डेबल होती हैं यहाँ पर, आप इजीली ख़रीद सकते हो। आई मैक, एप्पल वॉच जो है ऑफ़ कोर्स वो भी बहुत ईजी होता है क्योंकि इट्स लाइक 1 मंथ ऑफ योर सेविंग, उससे आप आईफोन ख़रीद सकते हो या अपना मैकबुक प्रो ख़रीद सकते हो, वॉट एवर। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपके जो ड्रीम्स होते हैं कि यार मैं ये ख़रीदूँगा मैं वो ख़रीदूँगा, वो आपका पॉसिबल होता है यहाँ पर। इवन अगर आप डिज़ाइनर वेयर जो प्रीमियम ब्रांड्स के बैग्स वगैरह हैं उसके फ़ैन हैं, ये चीज़ मैं उनको बोल रही हूँ जो लड़कियाँ हैं, जैसे गुच्ची हो गया, लुई विटन हो गया, प्राडा हो गया, उसके अगर आपको बैग्स ख़रीदने होते हैं तो आप ईज़िली ख़रीद सकते हो। इतना ज़्यादा थोड़ी सी सेविंग करनी होगी आपको, या आप ये मान लो 2-3 महीने की सेविंग से आप वो ख़रीद सकते हो, जबकि इंडिया में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको 2 लाख का बैग ख़रीदना है तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट। और जब आप ज़्यादा टाइम रह लेते हो तो आप इन चीज़ों पर जो है वो खर्चा करने लगते हो। एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप टू बी पेरेंट, अगर आप पेरेंट बनने चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ कि हाँ यार आप जो टैक्स पे कर रहे हो, आपने 2-3 साल तक जो टैक्स पे किया है, सोशल कंट्रीब्यूशन दिया है, उसकी वजह से आप अगर फैमिली को बढ़ाने की कोशिश करते हो देन ऑल्सो आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू कैन डू दैट ईजली। एंड एक सबसे बड़ा और बहुत ही अच्छा एडवांटेज या गुड पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। जैसे मैं कर रही हूँ अपना यूट्यूब स्टार्ट करके, मैं एक फुल टाइम जॉब करती हूँ, फुल टाइम जॉब करने के बाद भी मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं अपनी ये जो ड्रीम है वो फॉलो कर सकूँ। इट्स काइंड ऑफ अ पैशन फॉर मी। ऐसे अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप भी वो फॉलो कर सकते हो।
ये थोड़ा सा यहाँ पर इजी हो जाता है क्योंकि आपके पास टाइम होता है थोड़ा ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से, तो वो आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है वहाँ पर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसिंग था। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने पहले बताया था कि पेरेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो पॉसिबल है। यस, अभी जर्मनी में बहुत अच्छे अच्छे न्यू इमिग्रेशन लॉ आए हैं, जिसकी वजह से अभी एक जो लॉ आया है उसमें क्या है, आपके जो पेरेंट हैं, लाइक अगर मेरे पेरेंट हैं या ग्रैंड पेरेंट हैं, वो जो हैं वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं या फिर उन्हें परमानेंट रेसिडेंट भी मिल सकता है। अभी वो ड्राफ्ट स्टेज पे है, उसका जो भी मतलब सोर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, बट या दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके बारे में मेरे को एक पूरा वीडियो बनाना है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी, बट अभी के केसेस में मैं अगर करेंट सिनेरियो की बात करूँ तो करेंट सिनेरियो में आपके पेरेंट्स सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही रह पाते हैं। ऑफकोर्स उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल सकता है, लाइक 2 साल 5 साल 3 साल, बट वो रहे सिर्फ 90 डेज़ के लिए ही सकते हैं, स्पेशल केसेस के लिए कुछ ज़्यादा दिन। बट इसके लिए मुझे वीडियो बनाना है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो कमेंट करो इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर, मतलब ये जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर योर पेरेंट्स, तो मैं इसके ऊपर पूरा एक अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। बट दिस इज़ माई गुड पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ पर इतने साल रहने के बाद, लाइक लोकल होने के बाद। और ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ों में आई क्राई एंड आई थिंक दैट यार कि मुझे वापस जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में आई डोंट क्राई, मुझे लगता है यार ये तो बहुत अच्छी है, पीसफुल तो है। बाकी आपके भी कुछ सजेशंस हो सकते हैं, आपको भी लगता होगा यार दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। और अगर आप ड्रीम करते हैं जर्मनी मूव करने के लिए तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत अच्छे अच्छे हमने वीडियोज़ बनाए वो देखो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हाँ, लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो।